अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू वी विल स्टडी अबाउट दोज वर्ब्स विच कैन बी रेगुलर और इरेगुलर सो लेट्स सी बर्न ड्रीम लर्न स्मेल स्पिल बर्न का मतलब होता है जलना जल जाना बर्न भी हो सकता है बर्न भी हो सकता है बर्न रेगुलर होगा और बर्ंड जो है इरेगुलर होगा इसी तरह ड्रीम ख्वाब देखना ड्रीम्ड भी हम कह सकते हैं या ड्रेम्ड भी कह सकते हैं पास्ट फॉर्म में ठीक है लर्न जो है इसका मतलब है सीखना लर्नड भी कह सकते हैं रेगुलर वर्ब बन जाएगा या लर्नड भी कह सकते हैं इरेगुलर वर्ब बन जाएगा स्मेल स्मेल्ड सूंघना और स्मेल्ट या सूंघना यानी पास टेंस में हम इसको कहेंगे सूँघा कुछ भी सूंघना तो ये देखें सिर्फ स्मेल्ट जो है रेगुलर है और स्मेल्ट जो है इरेगुलर है स्पिल का मतलब कोई चीज़ गिरा देना पास्ट टेंस में इसको स्पिल्ड भी कह सकते हैं और स्पिल्ट भी कर सकते हैं यानी एक वक्त में हम एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे पास टेंस में स्पिल्ड जो है रेगुलर होगा रेगुलर वर्ब होगा और स्पेल्ट जो है इरेगुलर वर्ब होगा यानी बर्न की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस बर्न या बर्नट दोनों हो सकती हैं आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं इसी तरह ड्रीम की सेकेंड फॉर्म पास्ट में ड्रीम्ड या ड्रैम्ड दोनों हो सकती हैं आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं लर्न Learn की लर्नड या लर्नट दोनों हो सकती हैं दोनों करेक्ट हैं आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं स्मेल और स्पेल का भी इसी तरह है यानी आप दोनों यूज़ कर सकते हैं जब ई डी लगेगा यू नो वेरी वेल तो रेगुलर वर्ब होगा लेकिन जब चेंजेस आ जाएंगी ई डी नहीं लगेगा तो वो इरेगुलर वर्ब हो जाएगा तो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू तो शेयर विद यू ओके सी यू नेक्स्ट टाइम इन अल्लाह हाफिज़